welcome Mr. Ashree Grover. बहुत ज़्यादा लोग हैं यार तो फ्रैंकली बताऊँ तो मेरी बहुत फट रही है इतने ज़्यादा लोग मेरे को नहीं पता कि इसके पहले तो मैंने कभी नहीं करा इतने ज़्यादा लोगों को एड्रेस इसके बाद भी अगर मैं नेता नहीं बना तो नहीं होने वाला तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्यों भाई तू पास तेरे को पास नहीं होना है क्या यहीं बैठा रहेगा क्या तो यार मेरे को ना कई बारी कॉलेजेस में या कई जगह बुलाया जाता है ठीक है बोलते हैं कि आप थोड़ा इंस्पिरेशनल कुछ स्पीच दे दो और मेरे को लगता है मैं क्या बोलूँ जाके मतलब मैं ये सोच के तो कुछ भी नहीं कर रहा था लाइफ में कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी राइट अगर भी पता होता कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी तो शायद थोड़ी चीज़ें कम ही कर लेता कि ना देनी पड़े बट यार लाइक मेरी तो लाइफ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ओपन किताब है वैसे तो मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन था ऑलमोस्ट एक ईयर पहले तक नहीं एक ईयर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने हाँ एक ऑलमोस्ट लाइक लास्ट आई वुड से लास्ट अगस्त तक मैं बहुत प्राइवेट पर्सन था राइट तो मैं आपको बता दूँ मैं कितना प्राइवेट था मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे 236 और मेरा अकाउंट था प्राइवेट और 336 लोगों को तो मैं फॉलो करता था राइट तो एंड मैं तो यार सिंपल बिजनेस बना रहा था एंड इवन इन व्हाइल मेकिंग द बिजनेस आई वॉज नॉट थिंकिंग कि समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग आई वॉज जस्ट लविंग इट आई एम हैविंग अ गुड टाइम एंड जब मैं भारत पे बना रहा था वो बनते बनते इट बिकेम लाइक द सेकेंड यूनिकॉर्न आई वर्क विद राइट उसके पहले आई मेड ग्रोफर्स बट लास्ट ईयर आउट ऑफ द ब्लू शार्क टैंक इंडिया टीम अप्रोच मी एंड दे सेड कि सर शार्क टैंक पे आना है नाउ द फनी पार्ट इज मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं था ठीक है तो मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज़ होती है बिकॉज जो वो जेन जी मिलेनियल वाला क्राउड है ना वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक राइट तो मैंने कुल मिला के मे बी 15 मिनट देख लिया होगा कभी आते जाते कहीं चल रहा है टीवी पे तो देख लिया तो कॉन्सेप्ट पता था कि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बहुत करता हूँ तो ये पता था कि कोई जाना है बैठना है कोई पिच मारने आएगा आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है एंड दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट एंड बिकॉज मैं स्टार्टअप्स को लेके पैशनेट बहुत हूँ और इन्वेस्ट बहुत करता था मेरे को लगा ठीक है इट्स मेड फॉर मी इट लाइक नथिंग आउट ऑफ द ब्लू दैट आई हैव टू डू राइट कोई मैं वहाँ पे जाके नाच गाना तो करना नहीं है जो मेरे को आता नहीं है बट ये तो मैं कर ही लूँगा सो आई वेंट ऑन द शो एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी कि देखिए अब ये मैं आपको लिंक्स भेज रहा हूँ यूएस शार्क टैंक के थोड़े से एपिसोड्स देख लेना राइट सो दैट यू ऑल्सो नो वॉट टू एक्सपेक्ट एंड मैंने एक भी लिंक नहीं पे दबाया नहीं कभी कुछ मैंने बोला यार भाई मैं एक्टिंग करने थोड़ा आया हूँ यार यहाँ पे कि पहले मैं कुछ देख लूँ फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी अच्छा ऐसे एक्ट करना होता है फिर मैं अपने आप को मोल्ड करूँ मैं वैसे एक्ट कर रहा हूँ मैंने बोला इतना टाइम नहीं है जो होगा देखा जाएगा करते हैं राइट सो आई वेंट एंड डिड शूट्स तो जब शूटिंग हुई तो डायरेक्टर की फट ली अब राइट तो डायरेक्टर ने मेरे को आके बोला कि सर देखो ऐसा है कि आप चाहो तो हम थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं तो मैंने बोला क्यों क्या हो गया कह रहा है कि नहीं आप ओके ओके आप कुछ भी बोलते हो राइट एंड मैं कुछ भी डाल दूं टीवी पे तो मैंने बोला यार बोला है तो डाल दे मतलब वरना मैं बोलता ही नहीं राइट मतलब मैं यहाँ पे कोई कुछ और तो ना करने आया था कि बोल दिया तो बोल दिया तो ही सेड कि यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन राइट आई सेड नो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन यू टेल मी ही सेड कि देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी People are going to hate you, right? And maybe then love you, right? तो मैंने बोला ठीक है यार देखा जाएगा तू तू डाल दे right? And that's the Shark Tank story. I don't know what, you know,
what caught everyone's imagination. I think at some level it was rawness, right? You get to see ki, see normally kya hota na ki agar aap kisi ko famous kar do, right? सेलिब्रिटी बना दो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, राइट? विद मी इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट, राइट? मेरे को पता ही नहीं है कि सेलिब्रिटी होना होता क्या है, ना मैं एस्पिरेशनल सेलिब्रिटी हूँ. आई एम कोइंसिडेंटली बिकेम फेमस, राइट? एंड आई बिकेम फेमस बिकॉज आई जस्ट स्पीक माई माइंड, राइट? लाइक फॉर यू नो लैक ऑफ एनी थिंग एल्स. दूसरा क्या है कि मेरी लैंग्वेज बहुत ही एवरीडे लैंग्वेज है, राइट? मैं आपको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलता कि आई एम कॉन्स्पिक्यूअस बाय माय एब्सेंस, ऐसे करके कुछ अंग्रेजी नहीं बोलता, राइट? शशि थरूर को तो मैं फॉलो नहीं करता ट्विटर पे. तो और जनरली ओवर टाइम ना मेरे को जो ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनसे घिन होने लगती है, राइट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था. कई बार ये ना मैंने एक एक घंटे की मीटिंग करी है और आधे घंटा बंदा कुछ अंग्रेजी बोलता था, मैं मजे लेने के लिए बात बोलता था, अच्छा आप हिंदी में बता. सो क्योंकि यार देखो लैंग्वेज तो जो आपकी लैंग्वेज है सो है, ठीक है. हमने इंग्लिश को एक एस्पिरेशनल चीज बना रखा है, हमको लगता है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलेगा उतना समझदार इंसान है, उतना रिफाइंड है, उतना एजुकेटेड है, राइट? बट ओवर टाइम मेरे को मेरी लाइफ में लग रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली होगी मे बी कॉलेज के टाइम, कभी कूल बनने के लिए, राइट? बट उसके बाद से मेरे को यह था कि अगर एंड अगर खुद का बिजनेस करना है स्पेशली आपको, तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में तो आप कुछ भी झूठ बोल लो, मतलब यू नो तुम अपनी वाइफ को बोल, वो पूछ रही है कि हाउ एम आई लुकिंग, राइट? तुम बोल दो या यू नो यू कुड हैव लुक्ड बेटर, राइट? मतलब पर एक्चुअल में तुम बोल रहे हो क्या पहना है भाई. तो इंग्लिश जैसे ही बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करता है ना, मेरे दिमाग में घंटी बजती है क्या छुपा रहा है. कि भाई अभी तो मतलब मैं तो इससे सीधी सीधी बात कर रहा था, ये अंग्रेजी पे बोलने पे आ गया, कुछ तो छुप रहा है यहाँ पे. तो मेरे को लगता है हिंदी बोलो. एंड आई थिंक वो हिंदी स्पीकिंग क्रूडनेस, क्रासनेस, रॉनेस, वॉट एवर इट इज, कॉट पीपल्स इमेजिनेशन. बट आई एम हैप्पी दैट द शो हैज डन वेल. शार्क टैंक इंडिया हैज डन एक्सट्रीमली वेल. एंड द ओनली पैरामीटर ऑफ इट बीइंग इट डूइंग वेल इज हैव पीपल वॉच्ड इट, राइट? सिंपल सी बात है. आप किसी को बिठा के कुछ दिखा नहीं सकते, राइट? पीपल विल सी व्हाट दे लाइक टू सी, राइट? एंड इफ पीपल हैव लाइक्ड वॉचिंग शार्क टैंक, देन इट मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप एट द कोर ऑफ शो है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? हमारा भी जितने शार्क टैंक में जितने जजेस हैं, मैं अनुपम को पहले से जानता था. अनुपम को मैंने पिच मारी थी भारत पे के टाइम की, सर आप पैसे डाल दो, पर उसने शायद एक महीना एक्स्ट्रा लगा दिया था हाँ बोलने में, फिर मेरे को इन्वेस्टर से पैसे मिल गए थे, फिर मैंने ना बोल दिया. तो उसके सिवाय विनीता मेरी जूनियर थी आई एम अहमदाबाद में, तो आंखों आंखों में बात हुई थी बट कभी एक्चुअल में बात नहीं हुई थी. मतलब विनीता मेरे जूनियर बैच की बहुत टोट लड़की थी, राइट? तो बट बाद में वो अच्छा कर रही थी, वो मेरे को पता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर. बाकी अमन बहुत से बंदा है, उसको मैं पहली बारी मेरे घर पे मिला. मेरे घर पे शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं, उनके पास वेन्यू भी नहीं है, तो उसके ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे. तो अमन से वहाँ पे मिला था, एंड बाकी पीयूष को मिल चुका था एक बारी, पीयूष को सब लोग जानते हैं लेंस कार्ड. एंड नमिता से पहली बारी मैं शो पे जाके ही मिला था. सो एंड वी बॉन्डेड टुगेदर, वी केम टुगेदर. आई थिंक हमारा
किसी का एजेंडा वहाँ पे कुछ पैसे बनाने नहीं था, तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टाइम में मेरे हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है। कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे, ठीक है भाई, मतलब 5 लाख भी दिला दे तो मतलब बड़ी बात है कुछ नहीं होता था। द शो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, दे बिलीव वी हैव मनी, राइट, सो दैट इज द फर्स्ट बिलीफ। उस करके उन्होंने सोचा कि अच्छा आप एक स्टार्टअप चलाते हो, आपकी स्टार्टअप इज हाईली वैल्यूड, आपके पास पैसे होंगे, आप पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आप एक सर्टन अमाउंट कमिट कर दो। तो हमारे केस में वो फर्स्ट सीजन में बोला था कि 10 करोड़ मोटा मोटा आप दिमाग में लेके आना कि आपके लग जाएंगे। हमने बोला ठीक है, सो दैट वॉज वॉट वी हैड कमिटेड। वी वर नॉट पेड एनीथिंग फॉर एनी एपिसोड, फॉरगेट, मतलब हमने तो बॉन्डेड लेबर वाला काम किया है। हम सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाते थे, रात को कई बार 11-12 बजे भी हम छूटते थे, सो वी हैव पुट इन वेरी वेरी लॉन्ग आवर्स। बट वाई वी वर डूइंग इट, उसके दो रीजन है, राइट, एक तो पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट, मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि नहीं हम तो हमारे को तो फेम नहीं चाहिए, बट सब कहीं ना कहीं तो चाहिए था ना, वरना क्यों टीवी पे आना यार, नहीं फेम चाहिए तो घर बैठो ना, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे भी मत हो, कहीं भी मत हो, तो सबको फेमस तो होना ही था, बिकॉज आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो चाहिए, आपको लगता है अरे मैंने बिजनेस बना लिया, मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, अब आपको रिकग्निशन चाहिए एट सम लेवल, राइट, एंड दैट इज वॉट ऑल ऑफ अस वेंट टू द शो फॉर। तो बट सेकेंड चीज़ जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन जो वो वीकेंड्स हैं हम ये कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स वी डू ऑन दोज वीकेंड्स, राइट। तो जितना मज़ा हमने शार्क टैंक के सेट पे किया है ना, वो उसका तो आपको 10% भी नहीं दिखा स्क्रीन पे, राइट, इट वॉज लाइक अमेजिंगली फन टाइम विद ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स। आपको दूसरे से सीखने को भी मिलता है, आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हो, यू कैन लेट योर हेयर डाउन, सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सबके लिए, राइट। एंड दूसरा, थर्ड एंड डिस्टेंट रीजन, राइट, जो लोग वैसे बोलेंगे पहला रीजन है जी मेरा, वॉज सेइंग कि ठीक है अगर इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योरशिप एक मेन स्ट्रीम डिस्कशन टॉपिक बन जाता है तो क्या बुरा है, राइट, लाइक अगर, क्योंकि हमारी खुद की प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने को फाउंडर को IIT से 3rd ईयर में ड्रॉप आउट करा दिया, ठीक है, और उसके साथ उसके विंग के 3 लड़के थे उनको भी ड्रॉप आउट करा दिया, बेसिकली जो साथ में माल फूकते थे सबको बोला भाई आ जाओ। तो एंड अब आप ये सोचो कि IIT में घुसना इतना मुश्किल है, ठीक है, इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट कि आपने अपनी मरवाई 2 साल 4 साल, आप कुछ करके तो आप पहुंच गए, ठीक है, और अभी बच्चा बड़ी मुश्किल से डिग्री पूरी करने वाला है और 3रे साल में आके कोई बोलता भाई तू तो अब बाहर निकल ले इससे, तो मतलब पेरेंट्स ने मेरे को भर भर के गालियां दी हैं। एक पेरेंट ने तो मेरे को फोन करके बोल दिया आपने मेरे बच्चे पे काला जादू किया है। तो द पॉइंट इज कि अगर मैं पीछे देखता हूँ, ठीक है, इन लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वैल्यू बन गई, राइट, आफ्टर ड्रॉपिंग आउट, बट उस टाइम पे जब ड्रॉप आउट कराना था, राइट, या उसके बाद कोई हमको एज एन एम्प्लॉय भी ज्वाइन करता था, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि जो स्टार्टअप में काम कर रहा है, चाहे वो फाउंडर है चाहे एम्प्लॉय है, उसकी एक और फाइट चल रही है लाइफ में, वो फाइट ये है कि उसकी फैमिली को लग रहा है कि ये बेवकूफी कर रहा है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो वैसे ही रिस्क लेने वाले लोग कम है, राइट, पर जो रिस्क ले भी रहा है उसके उसको पीछे कोई पुल बैक कर रहा है, राइट, या उसके दिमाग में खुद से कहीं से गिल्ट आ रहा है, बिकॉज या तो उसके माँ बाप बोल रहे हैं यार ये क्या कर रहे हो तुम, या यू नो उनकी वाइफ बोल रही है कि तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के किन लौंडे लपाटों के साथ क्या काम कर रहे हो। तो हमारे लिए ये था कि अगर हम सेल्फिशली, मैं सेल्फिशली बोलूंगा कि अगर हम स्टार्टअप को मेन स्ट्रीम बना दें, राइट, तो एक तो माँ बाप को भी समझ आएगा कि हो क्या रहा है, राइट, बिकॉज आप मानो या ना मानो 5 साल पहले तक, चलो मेरे को तो ग्रेजुएट हुए भी 16 साल हो गए IIM से,
बट उसके पहले की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको नहीं समझ आता कि ये स्टार्टअप करियर ऑप्शन है, तो आपके पेरेंट के जनरेशन को तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि ये साला नुकसान करने को धंधा बोलते हैं लोग, ठीक है, लॉस पे लॉस है, कर क्या रहे हैं, ठीक है, बस बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं वैल्यूएशन के, ये कौन था भाई, हाँ तो वैल्यूएशन के नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं पेपर में कि इतने बिलियन डॉलर उठा लिए, इतने बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई, बट फंडामेंटली बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो किस किस तरह से आप उन पेरेंट को कन्विंस करो कि नहीं, जो जिस पाथ पे जा रहे हैं, जिस स्टार्टअप के पाथ पे लोग जा रहे हैं, दिस इज द रियल फ्यूचर, राइट। तो हमने तो इसलिए किया कि ठीक है करते हैं, एंड थैंकफुली वो मेन स्ट्रीम हो गया कि अब कॉन्वर्सेशन होती है। मतलब मेरे को पान वाले भी मिलते हैं, उनको भी, उन्होंने भी शार्क टैंक देखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटली हम एस्पिरेशनल कंट्री है ना यार, हमको डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, सबको बेटर बनना है, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए, राइट, सबको बैंक बैलेंस बनाना है, राइट, सो एवरीवन इज लुकिंग अप, ठीक है। हम यूएस जैसी पॉपुलेशन तो है नहीं या यूरोप जैसी पॉपुलेशन तो है नहीं कि कुछ नहीं करना जी, मैं अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, राइट, वो तो है नहीं यहाँ पे, हमको तो सबको कुछ करना है। तो उसमें अगर कि पॉजिटिव वेव की तरह शार्क टैंक केम, एंड आई एम वेरी ग्लैड इट बिकेम हिट। आई एज आई सेड आई एम अ इनएडवर्टेंट फॉलोआउट बोलते हैं उसको, मतलब उम्मीद नहीं थी, ना ही इंटेंट थी कि यू नो यू विल गेट टू बी दैट नोन ऑन द शो, बट वो हो गया, राइट, एंड उसका रीज़न ये भी है कि उसके बाद भी मेरी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, राइट, मैं खुद अपनी कंपनी से लड़ा, अपने खुद इन्वेस्टर से लड़ा, देन आई लेफ्ट माई ओन बिजनेस विच आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ पेन, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा और ड्रामा चलता रहा, राइट, अनफॉर्चुनेटली, बट ऑल इन ऑल आई एम 39 एंड आई हैड अ वेरी फन लाइफ, सो ओपन टू एनी क्वेश्चंस नाउ। All right, everyone, once again, can we have a huge round of applause? And we are going to converse more with Mr. Ashneel Grover, sir. Sir, hum please yahan pe question interaction ke liye aa jaye, please, sir. Aa jaye, main bitha kyun raha hai, main khado ke de dunga jawab. Hai sir, main khado ke jawab de dunga. Sir, aapko jaise comfortable lage, sir, baith ke khade ho gaye, sir. और सर यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी एक वो आपका डायलॉग सुनने के लिए सर वेट कर रहे थे, तो सर एक बार अगर वो आप वो फेमस डायलॉग, और हाउ मेनी पीपल ओवर हियर वांट टू हियर इस फेमस डायलॉग, मेक सम नॉइस सर, डेमोक्रेसी सर। देखो इसमें सिंपल है, ये कोई डायलॉग नहीं होने वाला है पहली बात मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, ठीक है सर, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट, तुम 4000 होते या 40000 होते मैं ना ही बोलने वाला था तो एक तो वो है, दूसरा सी जो डायलॉग है, आपको डायलॉग लग रहा है ना, वो नीदर द कंटेंट ना उसकी डिलीवरी ना कुछ, इन नथिंग वो स्क्रिप्टेड, राइट, हमको एक पीस ऑफ पेपर तक नहीं दिया जाता था कि क्या होने वाला है ऑन द शो, सो मैं जो बोलता हूँ वो मुद्दे पे बोलता हूँ, सामने एक डील है, कोई बेवकूफी कर रहा है उसको झाड़ना है, राइट, बट मैं वो सेम चीज डिलीवर कर ही नहीं सकता बिकॉज मुद्दा ही नहीं है, राइट, सो मेरे को ये लगता है कि यार डायलॉग वायलॉग नहीं होने वाला, आई एम नॉट एन एक्टर, राइट, आई डोंट इवन एस्पायर टू बी एन एक्टर, राइट, तो डायलॉग वायलॉग तो नहीं है, बट जो भी सवाल पूछोगे ना उसका बिल्कुल ट्रूथफुल जवाब दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने कुछ क्वेश्चंस को फिल्टर कर लिया, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कि तू अनफिल्टर्ड वाली लिस्ट ला सर,
सर ये तो बताओ कि अरे रुक तो यार सर ये तो बताओ कि सर नहीं जेन्युइनली सर फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस जो भी हो वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम सर मिनट टू मिनट चल रहा है सर फर्स्ट फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड क्वेश्चन जैसे भी सर आपको पसंद हो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इंडिया से ब्रेन ड्रेन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं लाइक हाउ कैन वी स्टॉप द ब्रेन ड्रेन दैट हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया अरे बोलने दो बोलने दो यार यार देख मतलब तू पंजाब में पूछ के बैठ के बोल रहे ब्रेन ड्रेन को कैसे सॉल्व करना है हम देखो पंजाब का ब्रेन ड्रेन तो एक तरीके से सॉल्व हो सकता है ट्रूडो को बोल दो वीजा बंद कर दे तो हो जाएगा नहीं मेरे को ये लगता है कि मार्केट है यार अगर यूएस को स्मार्ट बंदे चाहिए और वो सैलरी इंडिया से ज़्यादा देगा तो मैं क्यों रुकूंगा इंडिया में सिंपल सी बात है ठीक है तो एंड ऑफ द डे कोई भी फ्लो सॉल्व होएगा मार्केट की फोर्सेस से ठीक है जहाँ डिमांड है वहाँ पे सिंक है ठीक है जहाँ सप्लाई है वहाँ से सप्लाई से सिंक में ही पानी जाना है राइट तो मेरे को तो ये लगता है कि स्पेशली लास्ट 3-4 साल तो थोड़ा सा रिवर्स ही रहा है राइट आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जो यू कर सकते कि जो यूएस चला गया बंदा वो वापस आ जाएगा ठीक है वो नहीं होने वाला है बिकॉज वो एक लाइफस्टाइल को चूज़ करके गया है अब वो उस लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है उसके लिए वो रेलेवेंट है बट क्या कम लोग यहाँ से यूएस जाके यहाँ पे जॉब ले रहे हैं एंड इक्वली वेल पेइंग एटलीस्ट एडजस्टेड फॉर एक्सचेंज रेट मतलब कैन आई लिव एज वेल इन इंडिया डूइंग एज मीनिंगफुल वर्क हेयर एज अगर मैं को फेसबुक में नौकरी लग जाए और मैं पालो अल्टो पहुँच जाऊँ तो सिंपल क्वेश्चन वही है कि क्या इनफ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं फॉर पीपल टू गेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयड अगर वो है तो ब्रेन ड्रेन कम हो जाएगा या नहीं होएगा रिवर्स वाला कभी नहीं होने वाला तो वो तो भूल ही जाओ बट मेरे को ये लगता है कि एटलीस्ट पिछले 2-3 साल में तो काफ़ी जॉब्स क्रिएट हुए हैं अब एक एक और मुद्दे की बात बताता हूँ 130 करोड़ लोग हैं पूरे देश में काम वाला बंदा ढूंढने जाओगे ना 1.25 करोड़ में नहीं मिलेंगे फैक्ट है आप मैं आपको हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर का दर्द बता रहा हूँ आप बोलो ना कि मेरे को ढंग के बंदे चाहिए जो प्रोफेशनली काम करे तरीके से काम करे मेरे विजन को समझें और वो 1.25 करोड़ भी नहीं है तो एक्चुअली अगर आप ढंग से काम करने वाले बंदे हो तो इंडिया इज एज गुड अ मार्केट एज एनी ठीक है तो 130 करोड़ लोगों से मत डरो एक्चुअली तो ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रही है बाकी तो ड्रीम इलेवन पे टीम सब बना लेते हैं थैंक यू सो वेरी मच सर अब कुछ ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं सर क्वेश्चंस ले लेते हैं क्वेश्चंस कोऑर्डिनेटर साहब माइक कहाँ है ऑलराइट ओवर देयर हेलो सर सर हाउ गुड इज टू हैव अ आईआईटी आईएम ब्रांड फॉर फंडिंग अच्छा सवाल है यार ये देख आईआईटी आईएम का जो ब्रांड बना है ना वो तो प्रीवियस बैचेस से बना है ठीक है कि 40-50 साल से ऐसे बैच निकल रहे हैं जिनके लोगों ने या तो किसी कंपनी में जाके कुछ मीनिंगफुल काम किया है या अपना कुछ बिजनेस शुरू करा है जिसको जिसकी मार्केट को वैल्यू है राइट तो मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि एक क्लब है ठीक है अगर तू बोलता है कि जी मैं आईआईटी दिल्ली फलाने बैच से हूँ वीसी का मेल का जवाब आना पक्का है ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि वो पास ऑन कर देगा बट वो सोल क्राइटेरिया नहीं है और वो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया भी नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर तुम आईटी से नहीं हो तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे राइट हाँ अगर तुम आईटी से हो तुम्हारे लिए आसान है
ये कोई डिनाइल नहीं है, बट बिजनेस तो मार्केट में बनना है ना यार, उठा लो जितने मर्जी पैसे उठा सकते हो, ठीक है। अब कल के दिन में आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, टीम नहीं बनाई, बिजनेस मार्केट में नहीं उतारा, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो किसी को क्या पता है यार। एक मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, बोट का स्पीकर अमन गुप्ता ने बनाया या कोई ITN ने बनाया या कोई PhD ने बनाया, किसको फर्क पड़ रहा है? वो मार्केट में इसलिए चल रहा है बिकॉज कस्टमर को उसकी वैल्यू है, उस प्राइस पॉइंट की वैल्यू है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, राइट। सो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट एज स्टूडेंट्स आप अपने मन में ये कभी मत लेके चलो कि मैं IIT से नहीं हूं तो मेरे को एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर तुमने वो सोच लिया ना तो तुम अपने आप को वैसे ही एक पेडेस्टल नीचे रख रहे हो, राइट। इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, IIT में घने चूते होते हैं, एंड क्योंकि आप जो IIT जो आपके दिमाग में एक IIT की इमेज है ना, वो ब्रेकआउट क्राउड है, ठीक है, कि 400 बच्चे आए थे, हर बैच में से 5-6 बच्चे शाइन कर गए, आपको वो दिखते हैं, वो फेमस हैं, वो TV पे हैं, उनका नाम आ रहा है, राइट। दे इनफ पीपल हु डू नॉट डू दैट वेल, राइट। बट वही होता है ना कि फेलियर तो छुप जाता है और सक्सेस उबर के सामने आता है, तो उस करके ना लोगों को एक मिसकंसेप्शन है अबाउट IITs एंड IIMs, राइट। सिर्फ अगर डिग्री के पैसे खाने हैं ना कि कुछ नहीं आता, बट मेरा बॉस मेरे को नौकरी दे देगा बिकॉज मेरे को ना कैसे करेगा, मेरे पास तो IIT IIM की डिग्री है, राइट। द हायरिंग डिसीजन इटसेल्फ इज गुड, ठीक है, उसके बाद नहीं चला तो हम बोल देंगे ना ये बेवकूफ था, राइट। तो अगर सिर्फ डिग्री की खानी है तो IIT IIM बहुत बढ़िया है, IIT IIM की डिग्री ले लो, जहां नौकरी चाहिए मिल जाएगी, तुम कहीं जंप भी मारोगे वो हाँ डिग्री के नाम पे मिल जाएगी, राइट, बिकॉज द गाय विल टेस्ट यू आउट लेटर, राइट। बट अगर सच्ची में कुछ तोड़ू फोड़ू करना है तो नहीं फर्क पड़ रहा यार, इफ यू आर एज गुड एज मी और बेटर देन मी, यू विल डू बेटर देन मी, बात खत्म। Thank you so very much to the gentleman. Can we take on the next question? Coordinators up, mic leke jaen please. Sir, आपका क्या suggestion या advice होगा for someone doing a startup from a tier 3 city? यार देख, मेरे को तो ये लगता है कि जो next wave of entrepreneurs आने वाले हैं वो tier 2, tier 3 city से ही आने वाले हैं। उसका reason ये है कि जो बड़े शहर है ना, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ये मोर एंड मोर ना डेवलप्ड कंट्रीज की तरह एक्ट करने लग गए हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इन शहरों में पैसा डिस्प्रोपोर्शनेट आ गया है, वेलीपंती मारने की डिस्प्रोपोर्शनेट ऑप्शंस हैं, ठीक है, और लोगों में भूख कम हो गई है। मेरे को ना मोर एंड मोर ये लगता है कि टीयर 2, टीयर 3 टाउन से ही निकलेगा। उसका रीजन दूसरा ये भी है कि टीयर 2, टीयर 3 टाउन वाले का एक्सपोजर बढ़ गया है। सी, इंटरनेट है, फोन उसके पास है, ठीक है, उसकी एस्पिरेशन हमेशा ज्यादा होती है एक मेट्रो वाले से, बट पहले उसको पता नहीं था क्या बनाना है, राइट। अब जो टीयर 2, टीयर 3 वाला एंटरप्रेन्योर बनाता भी है ना, वो अपने लोकल प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाता, वो सॉल्यूशन जो बनाता है वो एक पैन इंडिया सॉल्यूशन बन के आता है। तो मैं तो उसको उल्टा बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन शहर वालों के लिए फाइट है, राइट। यहाँ से ढंग के बंदे निकल के आना, ढंग के एंटरप्रेन्योर निकल के आना एक एक्सेप्शन होगा, राइट। रियल एंटरप्रेन्योर्स तो अब रियल इंडिया से ही आएंगे, जो कि टीयर 2, टीयर 3 ही है। Thank you so very much, sir. Can we have the next question? Where is the mic? All right. Sir, what happened, sir? Idhar ko aa jao, please. Good afternoon, sir. मैं अनुभव सामल LPU के ही छात्र हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से। एक्चुअली सर, मेरा ये क्वेश्चन था, स्टार्टअप इवैल्यूएशन जो होता है वो एक बबल है या फिर सच में भी होता है? गुड क्वेश्चन यार। तो
ये देखो, हर बिजनेस में ना हर चीज़ साइकिल होती है. बिजनेस में एक पहले एक बुल साइकिल आती है, जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ बढ़ रहा होता है, वैल्यूएशंस बढ़ रही होती हैं, एंड बाद में एक साइकिल आती है जब नीचे जा रहा होता है, जिसको हम बेयर साइकिल बोलते हैं, कि सेम बिजनेस है बट उसको वैल्यूएशन कम मिल रही है पिछली साइकिल से. तो ये कोई डिनायल नहीं है कि पिछले जो 3 साल चल रही थी वो एक बुल साइकिल थी, राइट. और बुल साइकिल इसलिए थी कि यूएस में इतना पैसा छप रहा था फेड से, और वो सारा पैसा घूम के कैपिटल मार्केट्स में ही जा रहा था, और उन कैपिटल मार्केट से घूम के वो इंडिया की स्टार्टअप्स में आ रहा था. तो सिंपल सप्लाई डिमांड है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है, कंपनीज कम है. तो अब जिसके पास पैसा है उसका काम क्या, उसको तो पैसा डिप्लॉय करना है. तो जब वो ज़्यादा पैसा डिप्लॉय होने लगेगा तो वो एसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अपने आप इन्फ्लेट होती जाएगी. सिंपल इकोनॉमिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो पिछले 2-3 साल में एक्चुअली बहुत ही रिच वैल्यूएशंस मिली हैं कंपनीज को, राइट. अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टिंग है ना वो एक आर्ट की तरह है, बिकॉज अभी तो कोई प्रॉफिट बना नहीं रहा, तो मैं हिस्टोरिकल नंबर पे तो बोल नहीं सकता. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका पिछले साल का पैट इतना था तो आपको मैं इतना वैल्यूएशन दे रहा हूँ. मैं किस बात पे वैल्यूएशन दे रहा हूँ कि यार इसका बिजनेस ठीक चल रहा है, 3 साल बाद कहाँ पे होगा, 3 साल बाद इसका रेवेन्यू यहाँ पे पहुँच जाएगा. पैट मेरे को अभी भी नहीं पता होएगा नहीं होगा, बट 3 साल के रेवेन्यू पे मैं एक मल्टीपल दे देता हूँ, राइट. एंड कोविड के टाइम एक्चुअली जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्टीप थी. तो जब ग्रोथ स्टीप होगी तो कोई जब वैल्यूएशन भी दे रहा है तो वो ऐसे कर्व जा रही है तो उसको कोई फ्लैट नहीं बनाता ना, ऐसे कर्व जा रही है तो उसको थोड़ा सा टेपर कर देगा. नॉर्मली तुमको भी मैं बोलूं प्रोजेक्शन कर दो, ऐसे ही होता है ना. तो ग्रोथ इतनी स्टीप थी कोविड के टाइम, बिकॉज लोग घर बैठे थे, उनके पास मोबिलिटी नहीं थी, तो ऐप्स इतनी डिस्कवर हुई, इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ हुआ, डिजिटल एक्विजिशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सबको लगा कि ये तो चलती रहेगी. मतलब ये एक सेक्युलर वेव आ गई है, ये 10-20 साल तक चलनी है. उस 10-20 साल की वेव के पैसे इन्वेस्टर्स ने दिए हैं. बट मेरा तो सिंपल फंडा रहा है लाइफ में कि मैं क्यों सोचूं वैल्यूएशन के बारे में, राइट. इन्वेस्टर है, उसका पैसा लग रहा है. मैं तो आपको दिखा रहा हूँ मेरे पास बिजनेस क्या है, ठीक. जो आपने लगाया वो सच्चाई है. अब आप बोलोगे ज़्यादा है कम है, मैंने तो लगाई नहीं वैल्यूएशन, ठीक है. मैं तो जब पैसा भी रेस करने जाता था मैं तो खुद की वैल्यूएशन नंबर लेके नहीं जाता था. मैं तो बोलता था मेरे को 100 मिलियन उठाने हैं, $250 मिलियन उठाने हैं, आप बताइए आप किस वैल्यूएशन पे पैसे देंगे, राइट. सो डोंट थिंक अबाउट इट टू मच. दुनिया में बहुत वेला पैसा है, एंड फिरंगियों के पास तो बहुत ज़्यादा वेला पैसा है, एंड वी डिजर्व टू टेक इट राइट नाउ. थैंक यू सो वेरी मच सर. वन मोर क्वेश्चन. अरे ये ओवर एक्साइटेड इतना, ये क्या दोगलापन है. गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा नाम अनस सिद्दीकी है. सर मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है टीम को लेकर के. मतलब हम किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढे कि जो मतलब हमारा विजन देख पाए, उसको आगे फॉलो कर पाए, साथ में काम कर सके. तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है अभी कि मतलब साथ में काम करने वाला बंदा कैसे सर्च करें. यार वो देख, वो जैसे मैंने तेरे को बोला वो जेनेरिक प्रॉब्लम है सबकी, ठीक है. काम करने वाला बंदे नहीं मिलते आसानी से, और अर्ली स्टेज पे तो वैसे भी नहीं मिलते, बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. हाँ. और तुम किसी को बोल रहे होते या तो बिना तनख्वाह के काम कर ले, या कम तनख्वाह पे काम कर ले, या अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ दे. भाई तेरे को अगर 16 लाख की नौकरी लग रही है तो वो मत ले, मैं तेरे को 6 लाख रुपये दे दूंगा, तो मेरे साथ काम कर ले, ठीक है. तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो वो स्विच मार पाते हैं. बट मेरे को ये लगता है कि हर एक में ना, हर बिजनेस में अर्ली स्टेज में आपको मिशनरीज चाहिए होते हैं, ठीक है. तो अगर आप बेचोगे ढंग से, अपना विजन ढंग से बेच पाओगे, तो आपको मिशनरी मिल जाएंगे. थोड़े टाइम लग के मिलते हैं, बट वो लोग होते हैं जिनको आपका विजन समझ आ रहा है, उनको भी वही करना है, उनको फ्यूचर भी दिख रहा है, ठीक है. और वो पैसे के लिए नहीं कर रहे, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पैसे के लिए नहीं कर रहे, उनमें ये भी विजन है कि ये बहुत बड़ा पैसा बन सकता है एट अ लेटर डेट, राइट. तो मिशनरी ढूंढने पड़ते हैं अर्ली ऑन. एक बार ही बिजनेस चल जाता है फिर आप वो मर्सिनरी ढूंढ लेते हो कि भैया ठीक है, मैंने इसका काम है, मैंने इसको पैसा देना है, इसने काम करना है,
ये चला भी गया तो दूसरा बंदा भी आ जाएगा, उसको भी मैंने पैसे देना, उसने काम करना है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में तो आपको मिशनरी ढूंढने पड़ेंगे, और दैट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ हाउ गुड अ सेल्समैन यू आर, राइट। एज अ फाउंडर यू हैव टू सेल टू मल्टीपल पीपल, एवरी फाउंडर हैज टू बी एन एक्सट्रीमली गुड सेल्समैन, राइट। एंड सेल्समैन की डेफिनेशन नहीं है, वो नहीं है जो आप समझते हो कि ये किसी को कुछ भी बेचा है, राइट। एक्चुअली में आप क्या बना रहे हो एट द कोर, आपको कितना कॉन्फिडेंस है उस चीज पे, वो बेचना होता है, ठीक है। तो यार थोड़ा बेटर सेल्समैन बनो तो मिल जाएंगे और लोग। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स? हेलो, मैं बोलूं तेरे को क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है, वहां से पूछो। सर वो क्या है ना, मेरे पास एक स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा के गया था तभी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तू मनगणत बना रहा है। मैं छुपा रहा हूँ सर आपसे, मतलब ये मेरा दोगला बना है सर। एक सेकंड माइक ले लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Good afternoon, sir. I'm Prerna Maheshwari, currently pursuing BBA in financial markets. So my question is, how important and critical is role of timing in a startup, sir? Yeah, timing to her business mein important hai, not only in startup, her business mein important hai, because kai bari jo demand aati hai na, wo ek gap mein aati hai, ki ek पीरियड है उसमें चीज की डिमांड है। अगर आप में उस टाइम पे फुलफिल कर ली तो आप बड़ा बिजनेस बन जाओगे, नहीं बनोगे। मैं अपना भारत पे का एग्जांपल देता हूँ। जब 2018 में मैंने शुरू किया, पेटीएम को ऑलरेडी 10 साल हो चुके थे, ठीक है, फोन पे को 2 साल हो चुके थे, गूगल पे को 1 साल हो चुका था। बट मैं मार्केट में क्या देख रहा था कि ये ना सब लोग दुकानदार से जाके 2% मांग रहे हैं अभी भी, कि आप हमारी QR पे पेमेंट एक्सेप्ट कराओ, आपसे 2%। और सबके QR इंटरऑपरेबल थे, ठीक है, उस एक QR पे सबसे पेमेंट हो सकती थी, बट ब्रांडिंग सिर्फ अपनी कर रहे थे, तो सेल्फिश होके बिजनेस कर रहे थे। और मेरे को उस टाइम पे ये चमक गया कि क्योंकि UPI बड़ा होता रहेगा, एंड UPI ट्रांजैक्शन विल बिकम डोमिनेंट, UPI पे एक्सेप्टेंस फ्री हो जाएगी एक टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 6 महीने दुकानदार को बोला, आपसे मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, जितनी पेमेंट एक्सेप्ट करनी है करो। मजे की बात, मेरे को पैसा लगता था, तो उस टाइम पे मेरे को 0.3% के करीब अपनी जेब से बैंक को देना पड़ता था कि दुकानदार पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उससे तो मैंने कुछ लिया नहीं, अपनी जेब से मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले 3 महीने मेरे को कॉम्पिटिशन बहुत गाली देती थी कि तू क्या कर रहा है, तू सबकी मार्केट खराब कर रहा है, राइट। बट उस 6 महीने में मैंने इतनी मार्केट खींची, बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं दुकानदारों में बैठा हूँ, एक कागज का टुकड़ा लगा है, एक में मेरे 2% कट के आएंगे, एक में मेरे बिना कुछ कटे आएगा, तो बिना कुछ कटे वाले मैं लूंगा, ठीक है। तो उस करके मैंने डिसप्रोपोर्शनेट मार्केट शेयर गेन करा। अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को डिजिटल पेमेंट्स बढ़ानी थी, तो उन्होंने बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट स्टडीड भारत पे एंड सेड कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी ट्रांजैक्शन इतनी क्यों बढ़ रही है। एंड द आंसर वॉज कि सर ये ना फ्री में देते हैं मर्चेंट को, कि मर्चेंट को पैसे नहीं लगते। तो गवर्नमेंट ने बोला, अच्छा मर्चेंट को पैसे नहीं लगेंगे तो वो डिजिटल एक्सेप्ट करने को शुरू है, मतलब रेडी है? हमने बोला अरे बिल्कुल रेडी है, उसको ये नहीं है कि ब्लैक का पैसा है व्हाइट का पैसा है, उसको दुकानदार को दर्द ये था कि 2% काट के क्यों दे रहे हो, 1000 रुपये का कोई नोट पकड़ा के जाता है, मेरी जेब में 1000 रुपये आ रहे हैं, करेक्ट, बट अगर यहां से 1000 रुपये आ रहे हैं तो मेरे पास 980 क्यों आ रहे हैं। तो वो हमने सॉल्व करा। तो गवर्नमेंट ने 6 महीने बाद, इनफैक्ट 6 भी नहीं, मैंने सॉरी 1.5 साल तक मैंने ये बेयर किया है, जैन 2020 में गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के UPI पेमेंट्स को फ्री कर दिया, ठीक है। तो जो मैं सनकी पागल था 1.5 साल तक कंपटीशन के लिए, ओवरनाइट आई बिकेम अ विजनरी, क्योंकि लोगों ने बोला बॉस इसको पहले से पता था ये होने वाला है, ही टुक दैट स्टेप, राइट। सो
बिजनेस इज ऑल अबाउट टाइमिंग राइट. दूसरी चीज ये मेरे को लगता है कि हर एक को ना बहुत पैरानॉइड होना चाहिए. मैं बहुत ही पैरानॉइड फाउंडर हूँ, मतलब अभी तो मैं हूँ था समझ नहीं आता क्या बोलूँ, बट मैं जनरली बहुत पैरानॉइड था. मेरे को ये लगता था कि मतलब जब मैंने बिजनेस शुरू भी किया था ना तो पेटीएम $3 बिलियन उठा के बैठा हुआ था, ठीक है. मतलब मैं उसकी स्पेस में घुस रहा हूँ जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए कैश है और सॉफ्ट बैंक है, मासासान इन्वेस्टर है, मतलब एक फोन घुमाओ तो जितने भी 1,000 करोड़ चाहिए और आ जाएंगे, ठीक है. तो उस जब तुम इतने छोटे होते हो और तुम धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे होते हो ना, उस मतलब धीरे तो नहीं, मैं बहुत ही स्पाइकी ग्रो करा, बट जब ग्रो कर रहे होते हो ना कहीं तुम्हारे को अंदर से लगता है कि मेरे को ना कोई कुचल देगा, राइट. बिकॉज आई एम स्विमिंग, मतलब लिटरली आई वॉज स्विमिंग अमंग द शार्क्स, राइट. लेटर ऑन आई बिकेम अ शार्क इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं आई वॉज स्विमिंग अमंग द शार्क, राइट. तो मेरे को ना बहुत पैरानोइया रहता था कि मैं मर जाऊंगा. मतलब मेरे को हर टाइम ये लगता था कि मैं कुछ इनोवेट नहीं करूंगा ना तो कोई मेरे से मार्केट ले जाएगा. तो मैं एक ही एक पैरानोइया के हाई पे था. मेरे को हर 6 महीने एक नया प्रोडक्ट उतारना था मार्केट में, राइट. एंड वो मेरे को लगता है बहुत जरूरी है. अगर आप वो अपने अंदर कर लो ना कि आपको एक फीलिंग आए कि मैं जीत नहीं रहा हूं बल्कि मैं किसी भी टाइम हार सकता हूं, तो फिर आप बहुत मार्केट खींच के जाते हो. सो टाइमिंग भी जरूरी है, पैरानोइया भी जरूरी है. थैंक यू. कैन वी प्लीज टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक सेकंड, एक करके माइक आपके पास आएगा प्लीज, कृपया करके. कोऑर्डिनेटर साहब आपके पास माइक लाएंगे. हाँ जी सर, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन. देर इज दिस थिंग कॉल्ड सर, इट्स मी हियर दिस साइड, मैं यहाँ पे. अच्छा. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. आई एम अ फैकल्टी हियर एंड आई एम in the head of the department for counseling. Just wanted to ask you a question. How good is this slogan saying dream with your eyes open, and what is the kind of mindset that an entrepreneur should actually develop, sir? See, dream with your eyes open to kaise karte mere ko nahi pata, matlab soonga nahi to dream kahan se aayegi. But see, mere ko entrepreneur ka sirf ek mindset chahiye, execution. बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि अरे मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है. कई लोग मेरे को इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग मेल लिखते हैं. लोग लिखते हैं कि सर मेरे पास लाइफ चेंजिंग आइडिया है, ठीक है, कुछ आर्बिट नंबर डाल देंगे, कुछ 1,000,00,000 करोड़ का आइडिया है, और आप मैं आपको ही सुनाऊंगा बिकॉज अगर किसी और ने सुन लिया पहले तो वो बना देगा, राइट. एंड मेरे को लगता है क्या फुद्दू इंसान है यार ये, मतलब आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है. एज अ फाउंडर अगर आपको लग रहा है ना कि आपके दिमाग में कुछ तोड़ू फोड़ू चीज आ गई है, उसकी जीरो वैल्यू है. आइडिया मतलब चावड़ी बाजार में 2 रुपए किलो बिकते हैं, सच्ची बता रहा हूं. हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, लोगों के पास आइडिया के सिवा कुछ है ही नहीं, ठीक है. तो गेम एंटरप्रेन्योर की एग्जीक्यूशन की है, राइट. आपने सोचा, किसी और ने सोचा, आपकी झोली में गिर गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कहां से आइडिया आया. आपने उस आइडिया पे एग्जीक्यूशन क्या करी, बनाया क्या, इज द डिफरेंशिएटर, राइट. सो ओवर इंडेक्स ऑन एग्जीक्यूशन. थैंक यू सो वेरी मच. कैन वी प्लीज टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? यार एक पीछे वालों से पूछ ले यार. सर माइक होना चाहिए सर. हेलो सर, आई एम इन द सेंटर विद द बैक. वो खड़ा उससे पूछ ले. अब वो सर माइक. सर हेलो सर. नहीं नहीं, वो तेज बोलेगा, बोल. आई वॉन्ट टू पिच. तू बैठ जाए. चलो सर, माई नेम इज ऋषि भल्ला, आई एम इन द सेंटर हियर बैक साइड. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया में वॉट डू यू थिंक, वॉट टाइप ऑफ बिजनेसेस वुड ग्रो इवेंचुअली इन द फ्यूचर? What kind of businesses, तो बहुत ही वाइड क्वेश्चन है. मेरे को ये लगता है कि इंडिया में मास स्केल पे अगर आप किसी के लिए कॉस्ट कम करो ना किसी भी चीज़ की, उसकी बहुत अडॉप्शन हो सकती है, राइट. एंड मेरे को जो एक बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग लगता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गोइंग फॉरवर्ड, राइट. एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि इलॉन मस्क करता है तो कूल धंधा है, ठीक है. That is not the reason. India में
97% ऑयल इंपोर्ट होता है, ठीक है, और इंपोर्ट जिन कंट्री से करते हैं उनका कार्टल है, तो वो डिसाइड करते हैं हमने कितना प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से प्राइस डिमांड डिटरमाइन होता है। तो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, तो हम तेल इंपोर्ट करे जा रहे हैं और वो बहुत महंगा है। आज की रेट में इंडिया में फ्यूल इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसे तेल महंगा है, ऊपर से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इतने टैक्स लगा रखे हैं अपनी झोली भरने के लिए भी, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपकी मोबिलिटी ही इतनी एक्सपेंसिव हो रही है तो उसके बाद कुछ भी चीज कॉस्ट एफिशिएंटली नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जोमैटो डिलीवरी करता है, ठीक है, जोमैटो का मॉडल क्या है कि मेरा एवरेज ऑर्डर आता है जी 300-400 रुपए का, मैं रेस्टोरेंट वाले से कमीशन लेता हूँ, अभी तो चलो उनको मिल जाती है 30%, पहले नहीं मिलती थी, ठीक है, तो लेट से 25-30% मैं कमीशन लेता हूँ, तो 300 रुपए के ऑर्डर पे 90 रुपए मेरे बन रहे हैं। अब वो 90 रुपए की डिलीवरी अगर 90 रुपए से कम पे हुई तो मैं पैसे बना जाऊंगा, अगर उससे ज्यादा पे हुई तो मैं कभी पैसे नहीं बना के जाने वाला, ठीक है। तो मेरे को ऊपर रेवेन्यू आ जाएगा बट मेरा कॉस्ट आइटम उसका हमेशा उससे ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इंडिया में जो ये मोबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से होगी और वो भी पूरी एंड टू एंड होनी पड़ेगी। बेसिकली सन रिच कंट्री हमारी, मतलब हर जगह धूप ही होती है, हर बंदा छाया ही ढूंढ रहा है यहाँ पे। अगर आपने सोलर एनर्जी इनफ प्रोड्यूस कर दी, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रेट सोलर में एक टाइम पे 7.5-9 रुपए मिलते थे, 2.5 रुपए पे भी बिकता है इलेक्ट्रिक, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे 2.5 रुपए यूनिट भी बिकती है। वो इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपने व्हीकल को चार्ज करा और उसको चलाया, इट विल बी मच मोर चीपर देन कोई अगर फ्यूल से चला रहा है, राइट। सो मेरा फंडामेंटल बिलीफ ये है कि इवन ओला उबर विल फेल, उनको फेल उनकी नॉन एंटरप्राइज नहीं करके जाएगी, उसको इकोनॉमिक्स ऑफ फ्यूल ही उसको फेल करके जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट वन थीम आई हैव आइडेंटिफाइड, राइट। बाकी तो यार इतना मेरे पास इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता कि मैं सब बता दूं तेरे को। Alright, can you please take on the next question? यार एक काम करते हैं, हम लास्ट 5 क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो अब इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन चाहिए, मेरे को ये फुद्दू वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। इधर इधर इधर, राइट राइट साइड, राइट, आपका लेफ्ट। हाँ ठीक है सर। आप इंट्यूशन के बेसिस पे करते हो काम? और सर दूसरा क्वेश्चन कि आप मतलब जैसे सरोजनी नगर मार्केट है, नेहरू प्लेस मार्केट है, इन सब के बारे में मतलब इनका फ्यूचर क्या है, और मतलब कैसे एनालाइज करते हो जब आप मतलब घूमते हो इन सब जगह पे? यार देख, इंट्यूशन के बेसिस पे तो हर कोई काम करता है, तो मेरे को ये लगता है इंट्यूशन जो है ना, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट हमने उसको बोल दिया कि पता नहीं तेरे अंदर से आवाज़ आ रही है बट तू लॉजिक को बता नहीं पा रहा। एक्चुअली इंट्यूशन होती क्या है, आपके दिमाग ने कोई चीज़ को प्रोसेस करी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आपकी बॉडी एक रिएक्ट कर रही है इन अ वे जो आपको बता रही है कि आप एक चीज़ करो दूसरी चीज़ मत करो। दैट इज़ वॉट इंट्यूशन इज, राइट। बट इंट्यूशन के पीछे भी बहुत डेटा प्रोसेसिंग होती है दिमाग में, ठीक है। तो हर कोई बंदा इंट्यूशन से काम करता है। इंट्यूशन से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप डेटा को देखो ही मत, राइट। योर इंट्यूशन विल बिकम इवन शार्पर जितना आप डेटा देखोगे। तो डेटा इज पैरामाउंट, बिना डेटा के मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। डेटा को प्रोसेस करने के बाद मेरी इंट्यूशन है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, जो लोकल मार्केट्स हैं वो इंडिया में हमेशा रहेंगी, राइट, बिकॉज इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल कभी आए नहीं। इंडिया में कोई गाड़ी चला के वॉलमार्ट नहीं जाता। इंडिया का बाइंग बिहेवियर ये है कि मेरे को हर शाम को आपके पेरेंट्स मार्केट जाएंगे, वो एक घंटा बिताएंगे, कहीं बेकरी पे जाएंगे, कोई अंडे वाले के पास जाएंगे, कहीं सब्जी लेंगे, उनके लिए एक सोशल एक्टिविटी है, राइट। और दूसरा, वेदर ऐसा है कि आप स्टॉक नहीं कर सकते यहाँ पे खाने की चीज़ें स्पेशली, राइट। तो इंडिया में लोकल मार्केट्स हमेशा डोमिनेट करेंगी करेंगी। हाँ, वो अलग चीज़ है, वो इफ़ एफिशिएंट होती रहेंगी
और डिजिटाइज होती रहेंगी, बट कभी ऐसे नहीं होने वाला कि हमारे घर का पूरा सामान फ्लिपकार्ट से आ रहा है या अमेजोन से आ रहा है और लोकल मार्केट वाला मर रहा है, वो वाला फ्यूचर नहीं देखता मैं। थैंक यू सर। हेलो हेलो, आ रहे आ रहे यार, आ रहे हैं सर इधर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। नहीं यार वो पूछ रहा था यार, उसको पूछने दे। हाँ यार देख, मेरे को ना मार्केटिंग में बहुत मजा आता है, राइट? मतलब मैं लोगों को लगता है कि मैं बहुत टेक्निकल फाइनेंशियल डोमेन का बंदा हूँ क्योंकि मैंने IIM में फाइनेंस मेजर किया था और IIT से हूँ, बट मेरी जो कोर स्किल है ना वो मार्केटिंग में बहुत सॉलिड है, राइट? अब मैं तेको बात बताता हूँ, मैंने 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, ठीक है? कोई सोच भी नहीं सकता था, मतलब मेरे पास बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़े थे जिससे मेरे को पूरा बिजनेस बनाना था, और मेरे को ये पता था कि यार कोई भी बिजनेस बनाना है ना, मेरा जो भी पैसे के लेन देन का बिजनेस होता है वो बिजनेस ऑफ ट्रस्ट होता है, कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ तो मैं बिजनेस चलेगा, ट्रस्ट नहीं करता हूँ तो एक पैसे का लेन देन नहीं होने वाला। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था, तो मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ, ठीक है? तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है? वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपये लगेंगे, राइट? तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 करोड़ पड़े हैं, 7.5 इसको दूंगा, 1-2 करोड़ की एड बनेगी, फिर चलानी भी तो है टीवी पे, तो नॉर्मली क्या होता है जितने का आपने खर्चा ऐड करने में बनाने में क्या होता है, 2-3 गुना तो आप करते ही हो, तो मेरे को लगा 20 करोड़ का पंगा है, ठीक है? और 100 करोड़ मेरी जेब में पड़े हैं, मेरा नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट मैंने वो लिया पंगा, राइट? एंड मानवाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट? तो एक 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 टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या, मतलब कितनी मांडवाली करोगे? मैंने बोला नहीं सर है ही नहीं पैसे, दे ही नहीं सकता। तो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, पोस्ट पे में भी एग्जैक्टली ये था। दूसरी मेरे को क्या चीज लगती है, नाम बिकना चाहिए, मतलब किसी चीज का नाम ही ऐसा रखो कि समझ आ जाए कि ये करती क्या है, फिर आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। मैंने जब नाम सोच रहा था, पोस्ट पे क्यों नाम आया कि भाई तू बाद में दे दियो, दे देना आराम से, पहले हमने टैगलाइन बनाई दे देना आराम से, फिर हमने सोचा कि आपका नाम क्या रखना है पोस्ट पे, राइट? ऑफ कोर्स उसमें जब तुम जाते हो तो तुमको ट्रेडमार्क में देखना भी पड़ता है कि अवेलेबल भी है नहीं है, बट मेरे को लगता है नाम अच्छी तरह रखो, आधी मार्केटिंग नाम से ही हो जाती है, तो मार्केटिंग को इन जनरल लेके मैं बहुत पैशनेट रहता हूँ। हेलो हेलो सर इधर, एक्सक्यूज मी इधर सर इधर, कहाँ पे देखूँ? यहाँ नीचे नीचे सर नीचे। हाँ जी। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि पेटीएम ऑलरेडी बहुत बड़ा था जब फोन पे, जब भारत पे आ रहा था, और अभी हम देखते हैं कि फोन पे जो है उसने बहुत बड़ा मार्केट एक्वायर कर रखा है, तो व्हाट वाज दैट पॉइंट जहां पेटीएम फेल हुआ, द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ IPO ऑफ पेटीएम, उसकी शेयर अभी भी डाउन है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में उनका वो पकड़ क्यों नहीं बन पा रही है, एंड इज देयर एनी फ्यूचर इन, मतलब कि आगे पेटीएम के शेयर कुछ अप होंगे? यार देख, पेटीएम करके ना मैं हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाता हूँ, ठीक है? मैं कुछ बोल देता हूँ फिर वो प्रेस वाले कुछ छाप देंगे कल, मेरी लग जाएगी। तो देखिए यार, पेटीएम मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, राइट? पेटीएम की भाई, तुम जितनी मर्जी ताली बजा दो, मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही है। मेरे को जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट है, विजय शेखर शर्मा के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया है। एक टाइम पे जब मैं MX पे था, विजय, हाँ अब आ रही आवाज, एक टाइम पे जब मैं MX में था तो विजय शेखर शर्मा मेरे को पिच करने आया था कि MX पेटीएम में पैसे इन्वेस्ट कर दे, राइट? मैं तो उसको तब से जानता हूँ, बहुत विजय शेखर शर्मा एक, मैं उसको बोलता हूँ एक फोर्स ऑफ नेचर है वो, मतलब उसमें है, लड़के में बात है कि वो कुछ चीज़ ठानता है तो करता है, ठीक है? और ज़िद्दी लड़का है मेरी तरह ही, तो उसने पेटीएम जो बनाया, उसने हमको सिखाया कि QR स्कैन कैसे होता है। एक्चुअली QR, अगर आप देखो, हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ QR प्रीडोमिनेंटली पेमेंट्स के लिए स्कैन होता है,
दुनिया में कहीं पे भी QR पेमेंट के लिए स्कैन नहीं होता, वो इसलिए स्कैन किया जाता है कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर IP एड्रेस पे ले जाएगा, ठीक है। तो QR को पेमेंट के लिए स्कैन करना ही हमको पेटीएम ने सिखाया। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इतने बड़े बन जाते हो कि आपकी मोनोपोली तोड़ने के लिए खुद गवर्नमेंट आ जाती है। तो पेटीएम एक टाइम पे वॉज इक्विवेलेंट टू डिजिटल मनी, किसी को अगर डिजिटली किसी को पे करना था ना, पेटीएम ही करते थे और कोई तरीका ही नहीं था करने का। अब हुआ क्या कि RBI को लगा कि पेटीएम में होता कैसा था, वॉलेट होता था, तो वॉलेट में आप 10,000 रुपये तक डाल सकते थे, 10,000 के ऊपर आपको KYC करना होता था। तो बीच में उन्होंने KYC करने की भी बड़ी कोशिश करी। RBI और गवर्नमेंट को लगा कि देखो फ्यूचर तो मोबाइल पेमेंट्स का ही है, बट अगर एक वॉलेट को KYC करना है तो इंडिया में करोड़ों लोग हैं, हमने इतने बैंक्स का KYC किया हुआ ऑलरेडी, हम फिर से KYC क्यों करा रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट को उसकी मोनोपोली तोड़नी थी पेटीएम की, कोई आपको ये खुले में नहीं बताएगा, बट द अंडरलाइंग थिंग वॉज गवर्नमेंट एक चीज को मोनोपोलाइज नहीं करना दे सकती थी, जो कि पैसा है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट को दिख गया था मोनोपोलाइज हो गई है जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की थी। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पेटीएम के एकदम रॉकेट लग गया था। तो उन्होंने UPI क्यों बनाया, UPI इसलिए बनाया कि एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज सको और ऐप कोई भी यूज कर लो, आपके बैंक की ऐप की जरूरत नहीं है, आप फोन पे यूज कर लो, आप गूगल पे यूज कर लो, आप व्हाट्सएप यूज कर लो, जो भी करना है आप यूज कर लो। तो जो UPI का आर्किटेक्चर बनाया गया वो पेटीएम की मोनोपोली तोड़ने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। अब एक हाइंडसाइट में तो हर बंदा समझदार होता है, बट उस टाइम पे पेटीएम को लगा कि मेरे पास मोनोपोली है, मैं क्यों तोड़ूं, तो उसने UPI अडॉप्ट नहीं किया। अभी आप पेटीएम की ऐड देखोगे ना, उसमें आता है ट्रांसफर डायरेक्ट, राइट। पहले वो यही लगा था कि नहीं, मेरे वॉलेट में पैसे डालो और दूसरे साइड भी पेटीएम का ही बंदा होना चाहिए और मैं वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करूंगा। तो वो मार्केट जब शिफ्ट हो रही थी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस दौरान मैंने मर्चेंट साइड बिजनेस बना लिया, फोन पर गूगल पे ने कंज्यूमर साइड बना लिया। तो दोनों साइड से हमने खाया है पेटीएम का बिजनेस आउट, एंड उसमें कोई शेम की बात नहीं है। अगर मे बी मैं विजय की जगह होता ना और मेरे पास मोनोपोली होती तो मैं भी उस मोनोपोली को ये एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है कि मेरी मोनोपोली टूटने वाली है, राइट। सो ऑल द रिस्पेक्ट। शेयर प्राइस यार, देख मेरे को तो लगता है 600 रुपये अच्छा प्राइस है, मैं तो खरीदता रहता हूँ, ठीक है। बाकी जनता के ऊपर है कि जाएगा नहीं जाएगा। 2100 रुपये यार ठीक है, मतलब गलती हो जाती है हर इंसान से। सो वी आर गोना टेक द फाइनल टू क्वेश्चंस। यार उस साइड वालों से पूछा यार, वो देखो। हेलो हेलो सर जी, सर जी, सर जी, नहीं नहीं, नीचे नीचे वालों का हो गया, ऊपर सर जी, एक लास्ट क्वेश्चन सर जी, इतनी देर से बैठा हूं। आ रहा माइक देख सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप, नहीं मैं सुन ही नहीं रहा तेरा क्वेश्चन। सर जी प्लीज सर, आपने जैसे अभी आपको अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी, आप उसको एज अ बैक स्टेप लेते हो या नहीं? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप कहीं कभी भी हारे हो, वो शायद हारे होंगे, कभी ना कभी सब हारते हैं, उसको कैसे हैंडल कराया आपने? यार देख, कंपनी छोड़ी तो मैंने तो बड़ी दुख से छोड़ी है, ठीक है, कोई अपने मन से तो नहीं छोड़ी, और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसिस में छोड़ी है, ठीक है। कंपनी बनाना ना एक बच्चे की तरह है, ठीक है। तो आपका बच्चा कोई आपसे छीन के जाए तो आपको कभी अच्छा नहीं लगने वाला। तो मेरे लिए तो भारत पे मेरा बच्चा था जो मेरे से छीना गया, राइट। तो मेरे को उसका इमेंस पेन है। मैं अगर यहाँ पे आके कुछ हंसी मजाक कर लूँ, आपको हंसा दूँ, उसके पीछे मेरा दुख नहीं छुपने वाला है, राइट। तो मेरे को इंटरनली बहुत पेन है कि मैंने कंपनी बनाई, राइट, फ्रॉम स्क्रैच बनाई, पूरी मार्केट को डिसरप्ट किया, एंड इवेंचुअली मेरे से वो छिन गई, ठीक है। अब वो या तो मैं उस बात को लेके रोता रहूं, ठीक है, या मैं मूव ऑन करूं। तो मेरे को लगता है कि सिंपल चीज़ ये है कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना होता है, ठीक है। अगर कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने को मेरे पास आएगी तो मैं तो सेम शिद्दत से सॉल्व करूंगा, राइट। दूसरा, कई बार क्या होता है, लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आपको तो छोड़ो, ये 1.5 महीना हो गया, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जेन्युइन सवाल है कि 1.5 महीना हो गया, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है,
कि आप तो अगले दिन ही नया बिजनेस खड़ा कर दोगे मल्टी बिलियन डॉलर, बट वो होता नहीं है यार। जब जब तुम एक चीज को बना रहे होते हो ना, तुम्हारे पास प्लान भी नहीं होता, ठीक है, और वो चीज बन भी तभी नहीं होती है क्योंकि तुम्हारे पास प्लान भी है ही नहीं। तो एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस में अगर आपसे एक चीज छिन जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक प्लान बी लिस्ट लेके बैठा था जी, अच्छा पहले मैं यूपीआई करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ऐसी लिस्ट नहीं थी मेरे पास, राइट। सो आई विल टेक माय टाइम, आई विल थिंक इट थ्रू कि यार क्या करना है लाइफ में, और आराम से बनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ द फाइनल क्वेश्चन। हेलो सर, सर नहीं नहीं पीछे वालों की बारी चल रही है। सर क्या हुआ? नहीं नहीं वो माइक ऑन कर रही है यार, चलो हो गया। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फैशन की फील्ड में अगर हम जाते हैं स्टार्टअप के लिए, तो वहाँ पे जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो जो हमारे ब्रांड्स होते हैं उससे लोग पीपल हेजिटेट टू बाय इट, सो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट? क्या देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो हर एक के लिए रिलेवेंट है, राइट। मैं फैशन में भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फैशन में एक कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, उसका नाम है परनिया पॉपअप शॉप, ठीक है। वो क्या करती है, वो हाई एंड फैशन ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है। अब उस बंदे ने की अगर तुम स्टोरी देखोगे ना, तुमको लगेगा छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। एक लेडी थी परनिया कुरेशी, उसने बनाया परनिया पॉपअप शॉप, फिर कुछ उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई तो उसको बेचना पड़ा। वो परनिया पॉपअप शॉप जो ब्रांड था, इस बंदे ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसको उसको समझ आ गया कि इसके यहाँ पे लोग इसके नाम से आके साड़ी लहंगे या सूट कुछ भी खरीदते हैं, हाई एंड फैशन। उसने उसी प्लेटफॉर्म में और डिजाइनर्स को ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है, और सबको बेचना है, बिजनेस ज्यादा सबको चाहिए। एक एक करके उसका बिजनेस ग्रो होता रहा। आज की रेट में वो महीने साल का मेरे ख्याल से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। सो स्टार्ट तो आप हमेशा छोटे से ही करोगे, राइट। एंड आप ये तो सोच नहीं सकते कि भाई कोई बिजली गिर जाए और सब बड़े वाले बंदे मर जाएं, ठीक है, वो तो होने नहीं वाला। तो हमेशा जिसने भी चैलेंज किया है मार्केट को, उसको तो स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा और छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव द लाउडेस्ट पॉसिबल राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर मिस्टर अश्लील ग्रोवर। And sir, I would request you ki please stage pe rahe because we are moving forward towards the felicitation ceremony. So I would request our worthy Pro Chancellor, lovely professional university, Madam Rashmi Mittal, to kindly come on the stage for the felicitation ceremony and to show a token of appreciation and love on behalf of the entire lovely professional university to first of all Mr. Ashneer Grover and then Madam Madhuri Jain Grover. Have a colossal round of applause once again for Mr. Ashneer Grover. Mr. Ashneer Grover and Madam Madhuri Jain Grover. Thank you so very much, sir, ladies and gentlemen, for the final time. The loudest possible round of applause once again for Mr. Ashneer Grover to coming over to lovely professional university, interacting with our students.